हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपको बताऊंगा एएलपी साइको का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ फ्रेंड्स 10 मई और 21 मई को, तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपका एग्जाम हुआ है 10 मई को एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, तीन शिफ्टों में हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में हुआ एग्जाम। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो फिर 21 मई को एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स। क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता है कि उड़ीसा में जो फानी तूफान आया था, उस कारण आपका 21 मई को कंडक्ट हुआ और पहले शिफ्ट में कंडक्ट हुआ एग्जाम। ओके, अब आपका जो रिजल्ट आता है फ्रेंड्स, रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट जो है, इसके बाद जो 10 वर्किंग डेज होगा उसमें आपका रिजल्ट आएगा। 10 वर्किंग डेज में आफ्टर एग्जामिनेशन आपका क्या आता है? रिजल्ट आता है फ्रेंड्स। तो अगर रिजल्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो 21 के बाद आपका डेट का बात करें तो 22 आएगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए फ्रेंड, 10 वर्किंग डेज, इस एग्जाम होने के 10 वर्किंग डेज के बाद आता है रिजल्ट फ्रेंड्स। अगर बात करें तो आपका एग्जाम आपका 21 मई को खत्म हुआ है, तो आपका देखिए जिस दिन छुट्टी है उसको हम काट देंगे, हटा देंगे, ठीक है, और फिर 1 और 2 तारीख को हटा देंगे। ओके, अब देखिए गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से आपका 4 तारीख को संभावित है कि 4 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। तो आप मान लीजिए कि 4 से 7 जून के बीच आपका फाइनल है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा आपका एएलपी साइको का CBT 3 के एग्जाम का। और फ्रेंड, आपके आपके हर एक जोन में अलग अलग रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, और 4 से 7 जून के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तैयार हो जाइए आप अपने ये साइको का रिजल्ट देखने के लिए, और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को भी बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट एएलपी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।